नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इंदौर शहर में लगातार यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके, जिसको लेकर गुरुवार को इंदौर के डीआईजी ऑफिस पर मोबाइल एप्लीकेशन एप्स का शुभारंभ डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा किया गया। आयसर ग्रुप फाउंडेशन द्वारा एक ऐसी एप्लीकेशन ऐप का शुभारंभ किया गया जिससे शहर में यातायात व्यवस्थित रूप से हो सके, जिसको लेकर इंदौर के विभिन्न 50 स्कूल के प्राचार्य और 50,000 से ज्यादा छात्रों को एप्लीकेशन की जानकारी और ट्रेनिंग दी गई है। वहीं 1,00,000 से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रैफिक के नियमों को किस प्रकार से पालन किया जाए इसकी पूरी जानकारी दी गई, एवं समय समय पर लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता, कविता, वाद विवाद जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार किया जा रहा है। वहीं शुभारंभ अवसर पर इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा, एसपी सूरज वर्मा, एएसपी मनीषा पाठक सोनी, यातायात एसपी रंजीत सिंह देव के उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर कोरोना महामारी के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों को जागरूक करने के लिए 2 सॉन्ग भी लॉन्च किए गए। बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बल्कि कोरोना तो 100 साल बाद इस तरह की आपदा आई है, लेकिन जो दूसरा मुद्दा है वो इतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, आपका जो प्रेजेंटेशन था उसमें मिस बात है, जिसका जिक्र था, उसमें देश में लगभग 4.5 लाख एक्सीडेंट प्रति साल होते हैं, और उस 4.5 लाख में लगभग 1.5 लाख लोगों की जान हर साल चली जाती है, या किसी भी अन्य कारण से मरने वाले जो लोग हैं, जो इनमें जान जाती हैं, किसी भी अन्य वजह से ज्यादा बड़ी वजह है। और ये लगातार इंदौर में प्रति वर्ष लगभग 100 लोगों की जान हत्याओं में जाती है। लगभग पिछले 5 सालों का, 10 सालों का मात्र देखें तो औसत लगभग इतना ही है, लेकिन अगर आप एक्सीडेंट की संख्या देखेंगे तो 500 से 600 तक प्रति वर्ष रहती है। यानी कि इसकी जो गहनता है, इसकी जो चुनौती है, वो काफी ज्यादा है, और सिर्फ इंदौर की नहीं, हम देश के किसी भी शहर का अगर जिक्र करेंगे तो वहां पर जो एक्सीडेंट की संख्या है, समान तौर पर जो हत्याएं होती है उससे 5 गुना से 6 गुना ज्यादा इंटरनल एवरेज है, 4 गुना से ज्यादा लगभग हर जगह है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं वहां से आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कमों में से यही स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है, और इस समस्या का जो सबसे जो श्याम पक्ष है, जो चुनौतीपूर्ण पक्ष है, वह यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं हमारे युवा होते हैं। जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में रहते हैं, और आबादी के प्रतिशत के हिसाब से भी, चुनौती के हिसाब से भी सबसे ज्यादा इसमें जान गंवाने वाले हमारे युवा होते हैं। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।